है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू डेज न्यू व्लॉग। और आज हम सभी जा रहे हैं पार्टी में। पार्टी किसकी है, कहाँ पे है, वो सभी आपको आगे पता चल जाएगा। और अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ और मेरी बहन यहाँ पे रेडी हो रही है पीछे, तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ और बिना देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं तो तैयार हो गया हूँ, मेरे को सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। और मेरी बहन अभी भी लगी हुई है मेकअप, और मैं पता नहीं इनका कब होगा, लड़कियों का तो छोड़ो ना यार। तो अभी बिना देरी के हुए चलते हैं अंकल के घर पे। तो अब मैं बताता हूँ पार्टी किसकी है। पार्टी है हमारे इंडियन अंकल ही है, उनके लड़के की है। तो वो है राजस्थान सीकर के पास में ही उनका गांव। तो इसका अभी भी मेकअप नहीं हुआ है, तैयारी नहीं हो रही। और चलते हैं अब जल्दी से, मेरे को भी शूज पहने। इधर दिखाना बहन जी अपना मुखड़ा। हम सभी ने आज सेम कलर पहना है, मैंने भी रेड, इसने भी रेड, और मेरा थोड़ा वाइट है। तो हम सभी ने रेड कलर का ड्रेस कोड रखा है। और हमारे साथ एक फैमिली और है, उन्होंने वाइट रखा है अपनी ड्रेस कोड, तो उनकी भी दिखाते हैं आपको। ये रहे मम्मी, मम्मी का भी सेम ड्रेस कोड है। और ये रहे अंकल और इनकी फैमिली, इनका वाइट ड्रेस कोड है सभी का। तो गाइस, ये रहा हमारा घर पीछे और ये रहा अंकल का घर। अभी चलते हैं उनके घर पे। तो ये सारे गुब्बारे वगैरह मैंने लगाए हैं, सारे डिजाइन मैंने किए हैं। तो ये रहा, ये रही डिजाइन पूरा जचा दिया यहाँ पे। कैसा लगा मेरा डिजाइन आप कमेंट में जरूर बताना। ये सारा मैंने सजाया है, आप बताना। कुछ खास तो नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ठीक लगा दिया, जितना भी लगाया हैप्पी बर्थडे नाम और जो भी सारा डिजाइन किया हुआ। बाकी अब आगे कर रहे हैं धीरे धीरे। ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, काफी मस्त तैयार हो रहा भाई, मस्त लग रहा है तू काफी। इधर आना भाई, सामने आना जरा, ये देख लो भाई का लुक। अगर इसके लिए कोई अच्छी कन्या वधु हो शादी के लिए तो बताएं, इसके लिए हम वधु देख रहे हैं। जस्ट किडिंग, ऐसे मजाक कर रहे हैं हम तो। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई वंस अगेन। देख पार्टी तो पता नहीं कब स्टार्ट होगी, लेकिन हम तो कुछ चेप लेते हैं। थोड़े लाइट में आओ, लाइट में, लाइट। ये रहा बर्थडे बॉय का केक और ये रहा बर्थडे बॉय जल से। और ये केक घर पे बनाया हुआ है। तो भाई राजेश को गाड़ी गिफ्ट की गई है उनके पिताश्री द्वारा, बहुत बहुत बधाई हो राजेश भैया आपको। हमारे सभी दर्शकों को गाड़ी की चाबी दिखाई जाए, वरना उनको यकीन नहीं होगा आपको गाड़ी दी गई है।
और साथ में एक सोने की चेन भी दी गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:30 और अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। जिम में आज लगाएंगे बैक और ट्राइसेप। और ये रहा हमारा घर, और ये रहा कल जिसका बर्थडे था राजेश का घर सामने, और जिम भी हमारे घर के पास में ही है। तो गाइस फाइनली हम जिम के पास में पहुंच गए हैं। तो मैं इंस्टा पे लाइव आता हूं, तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, लेकिन जो मेरे इंस्टा पे नहीं है वो देख लो। ये वाली है यहाँ पे जिम, घर के एकदम पास में 2-3 मिनट का रास्ता है। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीचे आईडी मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। अभी आ गए हैं घर पे और अभी बनाएंगे प्रोटीन शेक, लेकिन उसमें डब्बे वाला प्रोटीन नहीं होगा, नेचुरल प्रोटीन होगा। बताता हूँ आपको, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं नेचुरल प्रोटीन। पान डाल दिए हैं और अभी डालेंगे पीनट्स। मैं पीनट्स डाल देता हूँ और उसके बाद में इसमें ओट्स वगैरह सारे मिक्स आते हैं, पीनट्स और काजू बादाम वगैरह सारे, अखरोट वगैरह सभी मिक्स में आते हैं। तो ये डाल दिए हैं मैंने। अच्छी बारी है दूध की, तो दूध पहले खोला हो गया, ये डाल देते हैं। तो लगभग मैंने इसको भर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम केला। हमें आपको लेना है ब्लेंडर और इसको ब्लेंड करना है सभी को। तो गाइस हमारा प्रोटीन शेक तैयारी है, इसमें कोई भी डब्बे वाला प्रोटीन नहीं डाला है मैंने और एकदम नेचुरल है। अब इसको ग्लास में डाल के बॉडी में डालेंगे। तो हम सभी तो ही आ रहे हैं। तो लोगों करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार वालों दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। बाय।